नहीं मानो देखो दिखा रहा है वो छेड़ गया वो पच्चा थोड़ा देव बाज गया बेटा ये छेड़ गया कहना खा गया किसने छेड़ा है हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट ऋषि पंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। भाई इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि आपको रिएक्शन दिखाए। जैसे हमारी हेलू यहाँ बैठी हुई है और अपना थोरू पीछे बैठा हुआ है। अब मैं कैमरामैन मानू को देता हूँ कि रिएक्शन देखते हैं लोग कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हमें कई सारे रिएक्शन मस्त मस्त दिखे हैं। इसलिए चल मानू चल। बड़ा नहीं दिखा लो बना ली ढंग से दिखा यार। अरे इस पे रेड लाइट पे जो ये भागने वाले आ जाते हैं तो वो धीरे कर भाई, एक लेडीज वो बोली दे दो कुछ भाई इधर आके ले लो। इधर इसको एकदम से थोड़ा देख क्या तो बोली वो एकदम से अच्छा आगे तो आपने रिएक्शन देख ही लिया होगा। बोली ए वाह उसी टाइम रिएक्शन आ गया जब मैंने इंट्रो स्टार्ट किया। और दिखाते हैं आपको और रिएक्शन अगर कोई लोग मिलेंगे तो दो तीन तो पीछे निकल गए मेरे ध्यान में नहीं रहे। मैंने फिर जब ही मानू को कहा कि मानू ले कैमरा ले और तू रिएक्शन शूट कर। बंदे आए हैं क्या मीन बोले इस बिल्डिंग में बंदे दीपी के पास है बोले देख विनू नहीं मेरा किसका आए है बोले काला कुत्ता दौड़ी बिल्ली लेके आया है तो रहला के लिए बोले कि काला कुत्ता दौड़ी बिल्ली ला रहे हैं। अरे उनके नीचे जो बेसमेंट में तो रहता होगा ना उन्होंने किसी दीपी के दोस्त से पूछा कि भाई कौन आ रहा है यो एक काला कुत्ता दौड़ी बिल्ली लेके आ रहा है यू नहीं भाई किसी गेस्ट आ रहे हैं बस आ रही हो मतलब किसका है काला कुत्ता दौड़ी बिल्ली लेके तो फिर उसने कहा कि अमर के पास आए दुकान वाला तो वीडियो बनाने लग रहा था और सामने अब ये देखने लग रहा एक्साइटेड हो गया और भी देख पूछ लो कैसा लगा मैं तो पूछ लिया अगर दुकान से कुत्ता बुला के लाया। हेलो भाई हम रास्ते में रुके हैं थोरू ए थोरू राजमा चावल खिलाऊंगा मम्मी और को मैंने क्योंकि ना मैं अभी जा रहा था ना तो इनसे राजमा चावल खाया था तो मैं पापा मम्मी और को भी खिला रहा हूँ। रायता भी कह लो रायता पियोगे मम्मी आप मानू तू पियेगी दो करा लू रायता भैया दो रायता और कर दियो चलो फिर खा ही लेते हैं। वो छेड़ गया वो पच्चा थोड़ा दो बाज गया बेटा ये छेड़ गया किसने छेड़ा है वो बाज गए थरू जाके छुप गया क्या कर गया था मैं वो लड़का ना बेटी ना नकली मान गया था मेरा मुंह पे क्यों मार रहा है ये ना छेड़े है यू ये कुछ को ये हमारा भाई साहब तो देखना इन भाई साहब को डिस्टर्ब ना कर इनको डिस्टर्ब मत कर ये अभी स्लीपिंग मोड में है दो कैसे लगे मम्मी अच्छा इसका एक फायदा है ना ये ना घर के बने हुए हैं रेस्टोरेंट के अलग होते हैं ये जो साथ में ये घर से बना के अपना कार में रखते हैं इसे दो फायदे हैं एक तो इनकी भी मदद हो जाती है दूसरा आपको खाना घर का मिल जाता है। हमारी हेलो आगे बैठ के सबको अटेंशन मतलब अटेंशन सीकर तो हेलो है हमारी और जब अटेंशन हेला को मिलती है तो थोरू को कह देते हैं थोरू भोगने लग जाते हैं फिर कहते हैं थोरू मैं भी तो हूँ भाई इधर और पापा एक गिलास और पी रहे अच्छा लगा पापा को रहता बहुत अच्छा है अच्छा है इसमें वो डाल रखा है कुछ
हरी चटनी है शायद, इसमें क्या डाल रखा है, परी नु के तीन मानु के साथ जाऊंगी जाली परी की। ये वीडियो डेडिकेटेड है मेरे भाई शहीद असबीर सिंह शोकंत जी के लिए। वो शहीद हो गए 31 को। उनकी पोस्टिंग थी चाइना बॉर्डर पे सिक्किम में। एक्चुअली हुआ क्या कि वहाँ पे उनका ट्रक का कॉन्वॉय जा रहा था, तो वो ट्रक स्टक हो गया, स्नो बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। तो जो ड्राइवर था उन्होंने कहा कि मेरे से नहीं निकलेगा, और ट्रक में 11-12 बंदे थे। तो भाई ने हिम्मत दिखाई और भाई ने कहा कि तुम सारे उतरो और तुम पैदल पैदल चलो, क्योंकि आगे खतरा बहुत है, खाई है साइड में, मैं निकालता हूँ ट्रक को। बट भाई जब चलाने लगे तो बर्फ बहुत ज़्यादा थी और ट्रक स्लिप हो गया और वो खाई में गिर गया, और इसी दौरान वो शहीद हो गए। बट उन्होंने 10 बंदों की, 10 सोल्जर्स की जान बचाई। और भाई मुझे आपसे इसी बहादुरी की उम्मीद थी, आप हमारे दिलों में हमेशा रहोगे। जय हिंद। Deep.